हाय फ्रेंड्स, अमेजॉन का नाम तो आपने सुना ही होगा। अमेजॉन एक दुनिया के बहुत बड़ी कंपनी में से एक है, जिसके फाउंडर एंड सीईओ का नाम है जेफ बेजोस और इसका हेडक्वार्टर सिएटल यूएसए में है, जिसमें 8,40,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। अगर इसके रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 280 बिलियन US डॉलर है। अब 1 बिलियन US डॉलर को अगर मैं इंडियन करेंसी में काउंट करूं तो ये होता है 7,000 करोड़। अब 280 बिलियन यूएस डॉलर इंडियन रुपीज में कितना होगा, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश रसोन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वायरल इन्फो वार। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अमेजॉन जैसी इतनी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर पैसे कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हम लोग पैसे कमा सकते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? तो अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग को साधारण भाषा में बोलूं तो ये किसी और का प्रोडक्ट किसी और कस्टमर को बेचते हैं और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मुझे मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि जिसका प्रोडक्ट हम कि जिस कस्टमर को बेचते हैं उसको टैग प्राइस जो होता है उससे ज़्यादा पे मिलता है। तो अमेजॉन के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कोई भी कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हों, आप हाउसवाइफ हैं, आप फार्मर हों, आप कोई भी हों, इसमें कोई भी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल से भी पैसे कमा सकते हैं। तरीका मैं बताऊँगा। इसके लिए क्या होता है कि हमें अमेजॉन के वेबसाइट पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जब हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो कंपनी हमारे बारे में सारा कुछ जान लेती है और उसके बाद हम उसके वेबसाइट पे जा कर के उसके प्रोडक्ट का कुछ कोड होता है, उस कोड को हम अलग अलग जगहों पे डालते हैं और उसके थ्रू जो कस्टमर परचेज करता है उसके प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हमें अमेजॉन देती है। जैसे मैंने पहले बताया था, उसका जो टैग प्राइस है उसके प्राइस में कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कस्टमर को सिर्फ परचेज करेगा और उसके जो प्रॉफिट आएगा उसमें से अमेजॉन हमें। तो दोस्तों, इसमें काम करने के लिए आप कोई भी हो सकते हो, आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप हाउसवाइफ हो सकते हो, आप फार्मर हो सकते हो, आप कोई भी हो सकते हो और इसमें कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो, सिर्फ आपके पास मोबाइल होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। ऐसे तो दोस्तों देखा जाए तो आप पूरे दिन फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, आप वो भी चलाओ, लेकिन उसके साथ साथ अगर पैसे अगर मिल जा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, दुनिया का सबसे आसान काम होता है पैसे खर्च करना। अगर इसी के अगर विपरीत तरफ मैं अगर बोलूं तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है पैसे कमाना। और ये तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान तरीके से घर बैठे आप कहीं भी हों, आप घर पर भी नहीं हों, आप किसी दुकान पर बैठे हों, किसी ऑफिस के ऑफिस के बाहर में बैठे हों, आप कहीं भी हों, आप वहां से भी पैसा कमा सकते हैं। तरीका मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर के चल रहा हूं अपने पीसी के डेस्कटॉप पे, वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज़ करके दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट पे आपको कितना पैसा मिलने वाला है और कौन कौन सा जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रही है और जिसको बेच करके आप ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो, सारा चीज़ मैं क्लियर करके आपको बताऊंगा और उसके बाद शायद आपको भरोसा हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। जी हाँ दोस्तों, आज आप विश्वास कर लो कि अगर इस तरीके से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो सही में बेरोजगारी कम होगी, सही में हम पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करने से ज़्यादा बात नहीं बनेगी, चलो हम आपको लेकर के चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी मैं आ गया हूँ अपने पीसी के स्क्रीन पे और यहाँ पे हम जानेंगे हम अपना रजिस्ट्रेशन अमेजॉन में कैसे करते हैं। मैं दोनों तरीके से बताऊँगा, पीसी पे भी बताऊँगा और मोबाइल पे भी बताऊँगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम खोलेंगे अपना गूगल क्रोम कुछ इस तरीके से और इसमें हम डालने गए हैं www.amazon.in। डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आपका इंटरनेट का स्पीड कैसा है और कितना जल्दी वो खुल सकता है। तो ये खुल गया है। अब इस तरीके से हमारे पास एक पेज खुलेगा जो कि अमेजॉन का पेज है ये। हाँ, इसमें क्या करना है कि सब जाना है सबसे नीचे जाना है। यहाँ पे थर्ड कॉलम 1, 2, 3 थर्ड कॉलम में थर्ड ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम एन एफिलिएट, इस पर क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया।
अब इस तरीके से पेज खुलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन, लॉगिन पे मैंने क्लिक कर दिया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद क्रिएट योर अमेजन अकाउंट, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इस तरीके से एक पेज खुल करके आएगा। अब सबसे पहले हमसे ये पूछ रहा है योर नेम, तो मैं अपना सही सही नाम डालना है, क्योंकि इसमें दूसरे का नाम अगर मैं डालता हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, क्योंकि सबसे लास्ट में ना ये बैंक का वेरिफिकेशन भी मांगता है, जो कि ये पैसा जो भी भेजेगा आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा। तो नाम जो आपका होना चाहिए, जो ओरिजिनल नाम है, जो रजिस्टर्ड नाम है, जिससे सर्टिफिकेट है या जिससे बैंक अकाउंट है, वो नाम यहाँ पे डालना है। तो मेरा नाम है सर राकेश रोशन, और मेरा ईमेल आईडी, मैं अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, आप अपना डालना, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि पासवर्ड 6 करेक्टर का होना चाहिए, उससे ना ही उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लेगा नहीं, ठीक है। मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ, आप लोग अपना अपना डालना, जो भी अपनी मर्जी है, जिसको आप याद रख सको, क्योंकि यही ये चाबी है जिससे आप जब चाहो तो अपना लॉगिन कर सकते हो। एक बार हो गया, दोबारा डालने के लिए बोलता है पासवर्ड अगेन, तो मैं दोबारा डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट योर अमेजन अकाउंट, अब इस पर मैं क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो, वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हमें इस पेज पे लेकर के आया। यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड यू आर यूजिंग नॉट कनेक्टेड टू एसोसिएट अकाउंट, इफ़ यू डोंट हैव एन अमेजन एसोसिएट अकाउंट प्लीज़ ज्वाइन नाउ फॉर फ्री। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें इस पेज पे लेकर के आ गया, और इस पे हमें जितना भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है सारा हमको डालना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले मांग रहा है टू होम शुड बी इशू पेमेंट, यानी पेमेंट जो अमेजन करेगा वो किसको करेगा, तो जिसके नाम से ये अकाउंट होगा उसी के नाम से ये पेमेंट होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, जैसे मैं अपना डाल देता हूँ, पूरा नाम डाल देना है सही सही, जिस नाम से बैंक अकाउंट है, ये मैंने नाम डाल दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है एड्रेस, एड्रेस का 1, 2, 3 लाइंस में डालना है एड्रेस को, उसके बाद सिटी डालना है, स्टेट डालना है, तो सब तो हम यहाँ पे एड्रेस अपना डाल देते हैं, आपका जो अपना सही एड्रेस होगा वो आप अपना डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, फर्स्ट लाइन हो गया, थर्ड लाइन हो गया, उसके बाद सिटी में जो मेरा सिटी है, मैं पटना सिटी से हूँ, मैं पटना डाल रहा हूँ। यहाँ पे स्टेट डालना है, इसमें बिहार डाल रहा हूँ। फिर अब नीचे आ जाते, जो आपका पिन कोड होगा पोस्टल पिन कोड वो आप डालना, कंट्री में हमारा इंडिया है, आपका भी अनश्योर, आप इंडिया से बाहर के नहीं हो, आपका भी इंडिया ही होगा, तो इसको सेम छोड़ देना है। यहाँ पर डालना है हमारा अपना मोबाइल नंबर, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो अपना डाल देना, ठीक है, जो बैंक से लिंक हो। तो ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर लिखा है हु इज मेन कॉन्टेक्ट फॉर दिस अकाउंट, यानी अमेजन जो कॉन्टेक्ट करेगा वो कौन है, यानी आपके कोई रिश्तेदार हैं या आप खुद ही हो, तो आप यहाँ पे खुद ही डालना द पे लिस्टेड अबव समवन एल्स आई नीड टू इंटर देयर इंफॉर्मेशन, नहीं यहाँ पे आप क्लिक करोगे द पे लिस्टेड अबव पे, यानी यहाँ जो आपने नाम डाला है, यहाँ पे जो आपने नाम डाला है उसी को ये अमेजन पे करेगा, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी क्लिक लगा हुआ, आप क्लिक करें। उसके बाद वाला ये जो ऑप्शन है फॉर यूएस टैक्स पर्पस, ये हमारे लिए नहीं है, इसको हमें खाली छोड़ देना है, ये यूएस के कर दिया नो, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, अब यहाँ पे मोबाइल और वेबसाइट जो हमसे पूछ रहा है, तो हमारे पास तो वेबसाइट होता नहीं है और ना ही हम मोबाइल ऐप्स बनाते हैं, लेकिन ये अमेजन का एक फॉर्मेलिटी है, तो उसको हमें पूरा तो करना पड़ेगा, एड्रेस यानी हमारा वेबसाइट का एड्रेस मांग रहा है। तो हमारे पास वेबसाइट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपना फेसबुक के पेज पे, जैसे मैं अपना खोल लेता हूँ फेसबुक पे, ये रहा हमारा फेसबुक पेज। अब इसका जो URL होता है ये यहाँ पे होता है, लेकिन ये URL डालना नहीं है, डालना क्या है आपका जो यहाँ पे नाम है, नाम पे सबसे पहले आप क्लिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो URL ही चेंज हो, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस URL को हम करेंगे यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आकर के कर देंगे हम पेस्ट, मैंने पेस्ट कर दिया, अब इस पर कर दिया मैंने, ऐड हो गया, ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया, अब हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं प्रोफाइल पेज पे, यहाँ पे क्या क्या मांग रहा है वो मैं आपको पढ़ के पहले बता देता हूँ, प्लीज रीड दिस इंस्ट्रक्शन बिफोर यू फिल दिस फॉर्म। सबसे पहले ये पूछ रहा है व्हाट इज योर प्रीफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी, ये स्टोर आईडी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये आईडी हमें बिल्कुल ही यूनिक होना चाहिए। यूनिक कहने का मतलब ये कि अगर पहले से किसी और का आईडी बना हुआ है, जो नाम या एड्रेस हम यहाँ पे डालने वाले हैं, अगर उससे मैच हो जाता है तो ये आईडी नहीं लेगा, और जितना भी मैंने पीछे फॉर्म भरा है फिर से ये फॉर्म हमें भरने के लिए बोलेगा।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचना ये है कि कुछ भी यूनिक चीज़ डाले, तो आपके पास यूनिक चीज़ क्या हो सकता है? अगर नाम आपका पर अनिल सुनील कुछ भी है, तो अनिल सुनील तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो अगर यहाँ पे अनिल डालते हैं, आई एम श्योर कि अनिल नाम के पहले से पहले ये डाला ही होगा। तो हम यहाँ पे डालेंगे अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर क्या होता है, एक यूनिक आईडी होता है, क्योंकि एक मोबाइल नंबर दूसरे मोबाइल से कभी भी मैच नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे अपना यूनिक आईडी के लिए अपना डालते हैं मोबाइल नंबर। वेबसाइट ऑलरेडी पहले से पिछले पेज में जो मैंने फेसबुक वाला डाला था, यहाँ पे ऑलरेडी डाल करके रखा हुआ है। उसके बाद हमसे मांग रहा है कि व्हाट आर योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। तो आपका ये वेबसाइट या मोबाइल ऐप है वो क्या है, बस सिर्फ फेसबुक डालकर। अब आगे ही पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप्स। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अदर में जाकर के टिक लगा देना है। सेकेंड ऑप्शन जो मांग रहा है उसमें भी कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, अदर्स में जाकर के टिक लगा देना। अब आगे हमसे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ अमेज़न आइटम्स डू यू इंटेंड टू लिस्ट योर वेबसाइट एंड मोबाइल नंबर। यानी अमेज़न पे जितने भी आइटम्स हैं जो वहाँ पे बिकती है, उसमें किस किस आइटम को आप प्रीफर करेंगे। ऐसा तो सारे में इंटरेस्ट है, हम सब में टिक लगा देंगे, तो मैंने सारे में टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें लिखा हुआ है आपका मोबाइल या वेबसाइट जो है वो किस तरीके का है। अब इसमें हम अदर पे क्लिक कर दिया, दूसरे में भी प्रिफरेंस में जाकर के मैंने क्या किया, अदर पे क्लिक कर दिया। अब ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन, इसमें हमसे पूछ रहा है हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे करते हैं, सोशल नेटवर्क के थ्रू करते हैं, तो इसमें मैं टिक कर लिया। आगे पूछ रहा है हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप्स टू जनरेट। हम यहाँ पे डालेंगे ई कॉमर्स ऑनलाइन रिटेल, दोनों में हम ई कॉमर्स ही डाल देंगे। अगला ऑप्शन पूछ रहा है हाउ मैनी टोटल यूनिक विजिटर्स डू योर वेबसाइट एप्स गेट पर मंथ। तो पहले वाले को ही हम सेलेक्ट। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम टू मोनेटाइज माई साइट कर दिया। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन सर्च मैंने सेलेक्ट। अब यहाँ पे कुछ कैप्चा लिखा हुआ, तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है ये दिख रहा है सी स्मॉल में है, स्मॉल में डाल दिया। उसके बाद 8-6 डाला हुआ है, पी छोटा में है, एन भी छोटा में है, उसके बाद डाला हुआ है 5, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, इसको मैंने टिक लगा दिया, कैप्चर डाल दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया फिनिश। अब आपका यूनिक आईडी बनकर के तैयार है। अब यहाँ पे लिखता है इंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इंफॉर्मेशन। अब क्या है कि आपका टैक्स और पेमेंट को देख करके घबराना नहीं है। इसमें हमसे ये मांगने वाला है कि हम जो यानी अमेज़न जो आपको पेमेंट करेगा वो कहाँ करेगा, यानी कौन से अकाउंट पे करेगा, तो उस अकाउंट का इन्फॉर्मेशन ही हमसे मांगने वाला है। ठीक है, तो हम चाहे तो अभी डाल सकते हैं या नहीं, तो इसमें लेटर का भी ऑप्शन दिया है कि हम बाद में भी चाहे तो इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अभी छोड़ देते हैं, बाद में ही डालेंगे, पहले पैसे कमा तो लें तभी तो आगे हम डाल लेंगे। ठीक है ना, फिर हम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्लिक लेटर पर, ये रहा लेटर पे मैंने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों अब मैं बन गया हूँ अमेज़न एसोसिएट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है अमेज़न एसोसिएट। अब हम इस पर क्लिक करेंगे गेट स्टार्ट। यहाँ तक तो डेस्कटॉप की बात हो गई, अब हम जानने वाले हैं कि मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा मोबाइल के स्क्रीन पे, इसमें हम टाइप करेंगे www.amazon.in। कभी कभी क्या होता है कि जब मोबाइल में ऐप डाउनलोडेड होता है तो इस तरीके के इंटरफेस खुल करके आते हैं, बट इसके लिए हमें घबराना नहीं है, हमें दोबारा टाइप करना, फिर से हम जाएंगे गूगल क्रोम पे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे www.amazon.com। दोस्तों इसमें सबसे नीचे हम आ जाएंगे, सबसे नीचे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं भी बिकम एन एफिलिएट या बिकम एन एसोसिएट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे ऊपर जाना है, जाने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स जो यहाँ दिख रहे हैं, 3 डॉट्स, इसको इसमें क्लिक करना है। इसको मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है डेस्कटॉप साइट, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वो वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है बिकम एन एफिलिएट। ठीक है, इससे पहले हमें इसलिए नहीं दिख रहा था, वो डेस्कटॉप इनेबल नहीं था। अब क्या है कि जिस तरीके से डेस्कटॉप पे ये डेस्कटॉप की तरह खुला हुआ है और तब हमें ये ऑप्शन मिल रहा है। अब हम इस पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे लिखा हुआ साइनअप, इस साइनअप पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। इस साइनअप पे क्लिक करने के बाद आपको याद होगा कि मैं फिर से उसी पेज पे चला गया जो डेस्कटॉप साइट पे जो मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट, थोड़ा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। चूंकि हम
पीसी के स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दिखाना और समझाना, थोड़ा फॉन्ट बड़े होते हैं तो समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। और इस पे खुलने के बाद जो प्रक्रिया, जो स्टेप्स मैंने पहले आपको बताया था, सेम उसी स्टेप से हमें आगे बढ़ना है। अब आते हैं फिर से हम डेस्कटॉप पे, साइट पे। तो दोस्तों अब हम ये जानने वाले हैं कि किस प्रोडक्ट में हमें कितना मार्जिन मिलेगी। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा टैक्स इन्फॉर्मेशन पे। टैक्स इन्फॉर्मेशन के बाद हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू योर पेमेंट प्लान, इस पर मैंने क्लिक कर। अब यहाँ पे हमें ये दिखेगा जैसे एप्पल और एसेसरीज लगेज बैग्स, इस पर हमें मिल रहा है 9%। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे कैटेगरीज हैं, सब पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है। और ये मोबाइल वाला जो सेक्शन है यहाँ पे नीचे में, मोबाइल फोन्स एट 1%, क्योंकि मोबाइल सबसे ज़्यादा बिकती है इसलिए मोबाइल पे 1% यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा किस पे मिल रही है, यहाँ पे अदर कैटेगरी जैसे फर्नीचर, किचन सर्विसेज, ई बुक्स, 10% का मार्जिन हमें मिल रहा है। तो ये सारा ओवरऑल हमें ये दिखा रहा है कि किस प्रोडक्ट पे हमें क्या मार्जिन मिलने वाला है। अब क्या करता है, इसको एज इट इज छोड़ देना है। अब फिर से हम एक नया विंडो यहाँ पे ओपन करेंगे, उसमें भी सेम डालेंगे हम www.amazon.in। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब इस पेज पे दोस्तों आपको डिफरेंस क्या दिखेगी, ये वाली जो स्ट्रिप यहाँ पे जो दिख रही है वो नॉर्मल नहीं दिखती है। जैसे आप नॉर्मल अमेजोन का पेज अगर खोलते हो तो ये स्ट्रिप जो दिख रही है जहाँ पे अमेजोन एसोसिएट लिखा हुआ है, गेट लिंक लिखा हुआ है, ये चीज़ जनरल में नहीं दिखती है। ये सिर्फ उसी को दिखती है जो अमेजोन का एसोसिएट बन चुका होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए जैसे हम कोई प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो यहाँ से हम कोई प्रोडक्ट को हम सर्च कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं टी शर्ट फॉर मेन, ये मैंने डाल दिया। इसमें से कोई प्रोडक्ट को एक को हम सेलेक्ट करता हूँ, चलो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका प्राइस कितना है, 299 है, कलर भी देखने में अच्छा लग रहा है, चलो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये 3 अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, इसका प्राइसिंग भी बहुत अच्छा है, 219 to 299 के बीच में है। अब अमेजन हमें ये भी बता देगा कि अमेजन के स्टोर पे सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन कौन सा है। उसके लिए हमें नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है सी टॉप 100 इन क्लोथिंग एसेसरीज, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो खुल करके आ गया। हाँ, इसमें हमें ये दिखा रहा है, अमेजन खुद बोल रहा है बेस्ट सेलर इन द क्लोथिंग एंड एसेसरीज, यानी ये प्रोडक्ट जो भी हमें दिख रहा है अभी ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, यानी अमेजन खुद बोल रहा है कि ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे यहाँ बिक रहा है, आप इसे बेच लो, इजिली बिक जाएगा और अपना मार्जिन कमा लो। अब ये बिकेगा कैसे और कहाँ पे बिकेगा उसको मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने ये कोई एक प्रोडक्ट ये हमें दे रहा है 449 में 3 टी-शर्ट्स, ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पे, इसको क्लिक करने के बाद ये जो लिंक जो हमें दिख रहा है इसे हमें कॉपी करना है। जस्ट इस पर मैंने राइट क्लिक किया और इसको कर लिया मैंने कॉपी। ठीक है, उसके बाद इसको करना क्या है, जगह जगह पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। जैसे जहाँ कहाँ कहाँ करेंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे अपने फेसबुक पेज पे। जैसे पहले मैं फेसबुक पेज खोल लेता हूँ अपना, नॉर्मल जैसे हम अपना वीडियो डालते हैं, अपना फोटो डालते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो हमें दिख रहा है व्हाट्स इन योर माइंड, इसमें क्रिएट पोस्ट करके जो ये हमारा पेज आया है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो मैंने पेस्ट किया है उस प्रोडक्ट का यहाँ पे फोटो भी आ रहा है, यानी इमेज भी उसका, यानी कोई भी इसको देख करके खरीद सकता है। यहाँ पे बस सिंपल सा हमें एक लाइन जरूर लिखना चाहिए, ऐसे ना भी लिखो तो भी चलेगा, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बाय नाउ। हाँ, तो मैंने लिख दिया टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बाय नाउ। अब मैं कर दूंगा इसको पोस्ट, ये मैंने पोस्ट कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे टाइमलाइन पे आ चुका है। अब इस लिंक पे या प्रोडक्ट के किसी भी हिस्से पे जब कोई क्लिक करेगा वो सीधा अमेजन के साइट पे चला जाएगा और वहां से जैसे ही परचेज करेगा उसका जो हमें कमीशन बनता है हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अब इसमें अलग अलग कलर्स भी होते हैं, अलग अलग साइज भी होते हैं, तो जिस भी कलर का, जिस भी साइज का अगर इस लिंक से वो बाई करता है तो उसका कमीशन हमें जरूर मिलेगा। तो एक तो मीडिया हो गई हमारा फेसबुक, उसके बाद बहुत सारे मीडियाज होते हैं, जैसे लिंक्डइन होता है, ट्विटर होता है और व्हाट्सएप होता है। व्हाट्सएप में भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वो सारा मैं बताऊंगा मोबाइल पे आने के बाद।
तो दोस्तों मैं दोबारा आया हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे ये बताने के लिए कि अमेजोन के उस लिंक को और हम कहाँ कहाँ शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि फेसबुक पे कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, चाहे जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं हम कहीं भी कर सकते हैं। और उसके अलावे मोबाइल में व्हाट्सएप में भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स को हम कैसे सर्च कर सकते हैं उसको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और एक ग्रुप्स में जो मेंबर होते हैं वो लगभग 260 प्लस भी होते हैं। जिसमें 260 मेंबर्स नहीं है उसमें बिना किसी परेशानी के हम उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज हम कभी लिंक शेयर करते हैं तो हो सकता है उसका एडमिन हमें डिलीट कर दे, लेकिन उस तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हम कहीं भी जा करके वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक शेयर कर सकते हैं। और लिंक शेयर करने के बाद अगर वहाँ से उस लिंक से अगर कोई मेंबर बाय करता है तो उसका कमीशन हमें जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जितना भी हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जगह जगह पे जितने भी पॉसिबल हो सके उतना प्रोडक्ट का हम टेक्स्ट निकालते हैं, कॉपी करते हैं और जगह जगह पे हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कमाई अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन इसके लिए भी क्या है कि डेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको डेली ये काम एक रूटीन बना करके आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज की अगर कोई मेंबर बाय करता है और उसका प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, वो रिटर्न कर देता है, तो सारा जो रिटर्न की पॉलिसी है, जो भी सरदर्दी है, वो अमेज़न की होगी। हमें क्या है, सिर्फ हमें लिंक शेयर करना है, अगर उस लिंक से हम बाय होता है तो हमें कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से जुड़े बहुत सारे वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।